आम जन शिक्षण संस्थान की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज यह सम्मेलन आम जन शिक्षा संस्थान की तरफ से किया जा रहा है। इसमें संस्थान का उद्देश्य यह है कि हर महिला व लड़कियां अपने रोजगार के लिए सक्षम हो सके। इसके चलते सीकर जिले के कांवट कस्बे में आम जन शिक्षा संस्थान की तरफ से श्रृंगार ब्यूटी पार्लर पर 1 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स कराया गया, जिसमें कि सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे कोर्स को पूरा किया। और इसमें श्रृंगार ब्यूटी पार्लर की संचालक श्रीमती सुनीता बंसल जी की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने सभी स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से कोर्स को करवाया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी वो इस संस्थान के इस उद्देश्य में सहयोग करेंगे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आज कोर्स पूरा होने पर सभी स्टूडेंट्स को आम जन शिक्षा संस्थान की तरफ से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। और इस सम्मेलन में डिस्ट्रिक्ट हेड हरिकेश शर्मा, महेंद्र कुमार जी, नीतू बंसल और हमारी एग्ज़ाम की ऑर्डिनेटर तनु जी शामिल हुए। और तनु जी एवं श्रीमती नीतू बंसल जी के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम तनु पांडे, राजस्थान से बोल रही हूँ। इसके अलावा है कि आपको ये आमजन शिक्षा संस्थान जो गोली 1 मंथ का आपको कोर्स बताया गया है, इसमें ये पता चलता है कि आप लोगों ने इसमें कितना क्या प्रैक्टिस किया है, इसमें कौन से टॉपिक पे आपने इसको सीखने की कोशिश की। ठीक है, इसमें आपने जैसे सीखा होगा हेयर कट का, आईब्रो करना, फेशियल करना, ब्लीचिंग करना, ब्राइडल मेकअप भी सीखा है। नहीं सीखा, चलो ठीक है, क्योंकि 1 मंथ में आपको इतना ही टॉपिक हो पाएगा के लिए। ठीक है ना, अब इसमें आपका आता है एक प्रोफेशनल तरीके से आप लोग इस वर्क को कैसे करोगे, इसके लिए आपको थोड़ा प्रोफेशनल जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है ना, जैसे आपको सिखाया गया है मैनिक्योर एंड पेडिक्योर का बताया गया है ना सभी को, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो उनमें कौन कौन से साइड यूज होते हैं। तो आपने सीखा है, आपको बताया गया होगा मैनिक्योर पेडिक्योर में। चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट आएगा इसमें हाइड्रोजन, ठीक है, सेकंड आएगा इसमें अमोनिया, ठीक है, एक्टोन आएगा, टोनर आएगा, ठीक है, सॉल्ट आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डाल के अपन इसमें मैनिक्योर पेडिक्योर अपन करते हैं क्लाइंट्स के। ठीक है ना, अगर आप अपना ब्यूटी सैलून ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है अपना व्यवहार मेंटेन, ठीक है, सेकेंड है इसमें बार्गेनिंग का, और प्रोडक्ट है हर्बल यूज़ लेने हैं आपको, क्योंकि हर्बल को अपन को कई कई सारे इफेक्ट पता है अपन को हर्बल्स के। ठीक है ना, हर्बल जो प्रोडक्ट होता है वो आयुर्वेदिक आता है, ठीक है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं आता है। ठीक है ना, आपको हेयर कट्स का भी बताया होगा मैम, बताएं उनमें डिग्रियां चलती है, क्या आपको डिग्रियों का पता है हेयर कट में, पता है आपको। चलो देखो, अगर आप हेयर कट करते हो प्रॉपर तरीके से तो आपको उसमें डिग्रियों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि अपन कौन सी डिग्री पे कौन सा हेयर कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हेयर कट को ध्यान में रखते हो, अगर आप हेयर कट करोगे वो सॉरी डिग्री को ध्यान में रखते हो आप हेयर कट करोगे तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, और आपको आईब्रो बनाना सिखाया है, बताया ना आईब्रो बनाना। अगर आपको उसमें थ्रेडिंग नील 2 तरीके की आती है, एक प्लास्टिक आता है, एक कॉटन आता है, आप हमेशा कॉटन ही यूज़ करें उसमें। ठीक है, कॉटन से कभी भी आपको रेशेज वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, और जैसे अपन फेशियल किट वगैरह अपन यूज़ में लेते हैं वो आप समर और विंटर के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग आप यूज़ करें अपने सैलून में। ठीक है ना, आप ये ना करें कि आपको विंटर का समर में करना है और समर का विंटर में करना है। ठीक है ना, आप इन बातों का कुछ बात हो जाए। और बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका कोई भी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन है आप।